आज के टॉपिक में बात करेंगे कि एडेनियम पर सनबर्न कैसे होता है। जब हमारा टेम्परेचर 40 के ऊपर जाता है तो सूर्य की जो रोशनी होती है बहुत ही तेज होती है और डायरेक्ट जब हमारे इन प्लांट्स पर पड़ता है तो इन्हें सनबर्न की प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों, कैसे और इसके क्या बचाव हैं, आज इसी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागनी, स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल रागनीस क्रिएटिव गैलरी में। हम सबको ये पता है कि गर्मियों में अडेनियम जो है बहुत ही अच्छे फूल देता है, पर एक लिमिट होती है गर्म को सहन करने के लिए। जब हमारा टेम्परेचर 25 से 40 रहता है तब ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, पर इसके बाद जो तेज गर्मी पड़ने लगती है तब इसमें सनबर्न की प्रॉब्लम होने लगती है। मेरी छत देखिए बिल्कुल खुला हुआ है, इसमें मैंने कोई भी ग्रीन नेट की व्यवस्था नहीं की है अभी तक और इन प्लांट्स को पूरे दिन की तेज धूप मिलती है। इससे मेरे कुछ अडेनियम में सनबर्न की प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरा बड़ा अडेनियम है, देखिए इसमें सनबर्न हो रहा है, और कुछ मेरे छोटे भी अडेनियम हैं उसमें भी काफ़ी हद तक हो गया है। तो आज मैं इसी के लिए कुछ आपको टिप्स बताने वाली हूँ कि आपको अगर आपके भी अडेनियम में इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना चाहिए। अप्रैल लास्ट और मई तक का जो धूप होता है वो बहुत तेज होता है और प्लांट्स को जलाने वाला होता है, तो इस समय जो है हमें अपने प्लांट्स की एक्स्ट्रा केयर करनी होगी जब तक बारिश शुरू ना हो जाए। तो इसके लिए मैंने देखिए ये मेरा जूट का बोरी मैंने लिया हुआ है, आप चाहें तो मोटा टॉवल ले सकते हैं या कुछ भी ऐसा कोई भी कपड़ा ले लीजिए जो थोड़ा मोटा हो, और उसके कोडेक्स को आप पूरी अच्छी तरह से कवर कर दीजिए ताकि सूर्य की जो रोशनी है वो आपके प्लांट को डायरेक्ट ना मिल पाए। और या आप इसको बड़े पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं अडेनियम के पॉट्स को। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, आप अपने छत पर ग्रीन नेट लगवा सकते हैं और या आप इसको ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे सुबह की सूर्य की रोशनी मिले। और ये मेरा बड़ा पॉट है तो इसको इधर उधर खिसकाना बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं सिर्फ इसको यही ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। छोटे पॉट को मैंने डायरेक्ट धूप से हटा करके मैंने शेड एरिया में रख दिया है। साथ ही साथ आप अपने इन पॉट्स में मल्चिंग का भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप पहचानेंगे कि कैसे कि आपके इन प्लांट्स में सनबर्न की प्रॉब्लम हो रही है। सनबर्न की सबसे बड़ा साइन क्या है, आपके प्लांट में येलो, डार्क येलो कलर के धब्बे दिखेंगे और इसके साथ साथ जो कलियां बन रही हैं वो भी सूख करके गिरने लगती हैं, फूल सूख करके गिरने लगते हैं, ऊपर के जो नए जो पत्ते होते हैं वो भी जो है जल करके जो है गिरने लगते हैं। जब हमारे एडेनियम में सनबर्न की प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आ जाती है रूट रॉट की, तो इसको बचाने के लिए बस यही आप ट्रीटमेंट कीजिए, नेट लगवाइए या किसी बड़े पेड़ के नीचे आप अपने एडेनियम को रख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक, एक नए प्लांट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।